बड़े मौकों पर अक्सर राहुल गांधी से छोटी गलतियां होती रहती हैं। आज एक बार फिर अपनी जुबान फिसलने के कारण राहुल गांधी चर्चा में हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्याग्रह का जिक्र करते हैं, मगर इसी दरमियान उनकी जुबान फिसल जाती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते हैं कि महात्मा गांधी सत्याग्रह की बात करते थे। सत्याग्रह का मतलब सत्ता का रास्ता कभी मत छोड़ो। हालांकि समय रहते राहुल गांधी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वे फौरन माफी मांगते हैं और अपनी बात पूरी करते हुए कहते हैं कि सत्याग्रह का मतलब सत्य की राह कभी मत छोड़ो। महात्मा गांधी कहते थे सत्याग्रह की बात करते थे। सत्याग्रह का मतलब सत्याग्रह का मतलब सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो, सॉरी सत्य के रास्ते को कभी मत छोड़ो। इनके लिए एक नया शब्द है, आरएसएस बीजेपी वालों के लिए, हम है सत्याग्रही, वो है सत्ताग्राही। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे, ये किसी से भी मिल जाएंगे, किसी के सामने झुक जाएंगे सत्ता के लिए। ये इनकी सच्चाई। मध्य प्रदेश की जनता ने आज अपने मुखिया को एक नए अवतार में देखा। झाबुआ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देखते ही लोग हैरत में पड़ गए। हालांकि लोगों का आश्चर्यचकित होना जरूरी भी था, क्योंकि मुख्यमंत्री आज नए अवतार में नजर आ रहे थे। अपने हेलीकॉप्टर से शिवराज सिंह चौहान जब नीचे उतरे, तब उनके कंधे पर कुदाल रखी हुई थी। एमपी के लोग इसे गैती भी कहते हैं। दरअसल मौका था झाबुआ में हालमा उत्सव का, तो भला प्रदेश के मुखिया कहां पीछे रह जाते। मुख्यमंत्री शिवराज ने भी हाथ में गैती उठाई और अपने उड़न खटोले में सवार होकर झाबुआ पहुंच गए। इस दौरान सीएम शिवराज ने गैती से मिट्टी की खुदाई कर श्रमदान भी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि हालमा परंपरा अपने आप में अनोखी है। इसके तहत अगर कोई अपने काम में पिछड़ गया हो तो उसकी मदद होती है। समाज की आदिवासी भाई बहनों की परंपरा, जिसमें समाज का कोई भी भाई बहन अगर पीछे रह गया हो किसी काम में, तो वो पिछड़ ना जाए। चलो हम भी गैती फावड़ा उठाएं और उसका साथ दें। अगर वो घर बनाने में पिछड़ गया तो घर बनवा दो, कुआं खोदने में देर लग रही तो कुआं मिलके खुदवा दो, अगर खेती में पिछड़ जाए तो मिलके सब चलो उसकी खेती पूरी करवा दो। ये अद्भुत परंपरा, यही है वसुदेव कुटुंबकम परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये अद्भुत परंपरा। इधर सीएम का नया गैती अवतार वायरल हुआ तो कांग्रेस ने इसे भी मुद्दा बना लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गैती वाली फोटो पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि प्रदेश भर में निकली विकास यात्राओं के विरोध के बाद अब शिवराज सिंह जी खुद विकास को खोदकर खोजने के लिए निकल पड़े हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड की चर्चा हर तरफ हो रही है। जिस तरह से फिल्मी स्टाइल में इस हत्या को अंजाम दिया गया, उससे देश भर के लोगों का ध्यान इसने अपनी तरफ खींच लिया है। प्रयागराज में दहशत का माहौल है। अब से 18 साल पहले सपा सरकार में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या हुई थी, तब भी प्रयागराज में कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा था। जिस उमेश पाल की दिन दहाड़े उसके घर के पास हत्या कर दी जाती है, वो राजू पाल हत्याकांड का एकमात्र गवाह था। हत्याकांड का आरोप पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके परिजनों करीबियों पर है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उमेश पाल हत्याकांड में सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद गुड्डू मुस्लिम की जबरदस्त चर्चा होने लगी है। उसका नाम ट्विटर पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। आपको बताते हैं कि आखिर ये शख्स कौन है। दरअसल गुड्डू मुस्लिम को अतीक का करीबी बताया जाता है। हत्याकांड मामले में यूपीएसटीएफ ने कुछ लोगों को धर दबोचा है। हालांकि इसमें कौन कौन है या फिर शूटआउट में गुड्डू मुस्लिम समेत कौन कौन शामिल था, ये चीजें आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब गुड्डू मुस्लिम को किसी अपराध के लिए इस्तेमाल किया गया हो। इससे पहले भी वो कथित रूप से कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। गुड्डू मुस्लिम पर तमाम मामले पहले से ही दर्ज हैं। गुड्डू मुस्लिम को अतीक अहमद का दाहिना हाथ बताया जाता है। गोरखपुर पुलिस ने अब से लगभग 15 साल पहले गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार किया था। तब अतीक अहमद ने ही उसकी जमानत कराई थी। गुड्डू मुस्लिम के अतीक अहमद से ही नहीं बल्कि कई माफियाओं से संबंध बताए जाते हैं। गुड्डू मुस्लिम के तार यूपी ही नहीं बल्कि बिहार के माफियाओं से भी जुड़े हुए हैं।
कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं जहां पुलिस ये दावा करती है कि गुड्डू मुस्लिम बम बनाने में माहिर है। प्रयागराज में शुक्रवार को उमेश पाल और उनके गनर की हत्या के बाद परिजनों ने गुड्डू मुस्लिम के भी खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई है। गुड्डू मुस्लिम सालों पहले ही इस गोरखधंधे में कदम रख चुका था। वो यूपी की राजधानी लखनऊ में होने वाले ठेकों के टेंडर पूल करवाने में माफियाओं की मदद करता था। बसपा सरकार के दौरान इंजीनियर हत्याकांड में भी गुड्डू मुस्लिम वांछित है। गुड्डू मुस्लिम को कुख्यात अपराधी श्रीप्रकाश शुक्ला का शागिर्द बताया जाता है, जिसे पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया था।